नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। धारावी में मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के चलते लोगों के साथ हो रहा है जीवन का खिलवाड़। जी हां, धारावी के राजीव गांधी नगर में टाटा पावर के नीचे अवैध ढंग से घरों का निर्माण किया जा रहा है। इन घरों के ऊपर टाटा पावर की बेहद क्षमता वाली हाई वोल्टेज लाइन जा रही है। इस इलाके में कॉन्ट्रैक्टर घर मालिकों को उनके घर बनाकर मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। वहीं मुंबई महानगर पालिका चंद पैसों की खातिर इन घरों को बनाने की छूट दे रही है। फलस्वरूप घरों की छतों पर लोग हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आकर या तो मर रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन मनपा प्रशासन इस ओर ध्यान देने के मूड में नहीं है। हाल ही में घटित घटना से सबक नहीं लिया गया है। आप देख सकते हैं इस घर को, इस घर की हालत को क्या हो गई है। फिरोज कुरैसी इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है। गौरतलब हो वो अपने घर से करंट का झटका खाकर चार मकान दूर इस घर में आकर गिरा था, जिसके कारण बसाइन अस्पताल में मौत से जंग कर रहा है। और मात्र ये घर ही नहीं, आसपास के कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों का मानना है कि टाटा पावर के नीचे ऊंचे घर अवैध ढंग से बनाए जाने को लेकर घटनाएं घटित हो रही हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्वीर, जिसे आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि मनपा में भ्रष्टाचार के चलते धारावी में टाटा पावर के नीचे मौत के घर तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये दुकान और उसके ऊपर आवास का निर्माण किया गया है। नीचे होटल चल रहा है, गैस का सिलेंडर है और ऊपर से हाई वोल्टेज तार जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा निर्माण कार्य किया गया है। इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए था, लेकिन मनपा प्रशासन ने इस ओर कोई सुध नहीं ली है और ये होटल बनकर तैयार हो गया। मात्र होटल ही नहीं, टाटा पावर के नीचे न जाने कितने घर हैं जो मात्र चंद फीट की दूरी पर हैं टाटा पावर से। कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। अधिकारी लापरवाह, बीएमसी लापरवाह, पुलिस प्रशासन लापरवाह, टाटा पावर लापरवाह, फिर कौन इस ओर ध्यान देखा, सवाल ये भी उठ खड़ा होता है। एबी न्यूज के लिए रवि की रिपोर्ट। इस वक्त खड़ा हूँ धारावी के जीवन ज्योति रहवासी संघ में, पुलिस बीट क्रमांक चौकी एक पर, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली के करंट का नजारा किस तरह से फिरोज कुरैसी को लगा और घर में पूरी तरह से, घर पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो ध्वस्त हो चुका है। और उसके बाजू में भी कई मकान है, रवि का, सिद्धम का, कई लोगों के मकान है, उनमें भी भारी नुकसान हुआ है। सुहास जी का मकान काफी नुकसान हुआ है और इस घर की तो हालत काफी खराब है। पूरा घर पूरी तरह से इस धमाके, बिजली बताया जाता है फिरोज कुरैशी कल बारिश की वजह से कुछ छत पे काम कर रहा था, लेकिन इतना हाई वोल्टेज इधर आते हैं तो उसके परिणाम ये देखो मात्र चंद फीट की दूरी छत से है। यहाँ पर मैं यहाँ के धारावी के कॉन्ट्रेक्टरों के बारे में बताना चाहूंगा कि वो कॉन्ट्रेक्टर मकान मालिक को प्रलोभन देते हैं कि आपका मकान ऊंचा कर दूंगा, रहने लायक बन जाएगा, और उसका परिणाम है धारावी 60 फीट रोड पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। धारावी के इस टाटा पावर के नीचे की घटनाएं होती हैं और आदमी आज एक फिरोज कुरैशी नहीं, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं। लोग छत पे जाते हैं और हाई पावर की लाइन जाती है और परिणाम उसमें चिपकते हैं, जलते हैं और मर जाते हैं। इस ओर प्रशासन, इस ओर बिजली विभाग, टाटा पावर, यहाँ तक कि बीएमसी इसकी जिम्मेदार, जो इतनी इतनी हाइट पे मकान बनना है, लेकिन बीएमसी के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर कार्रवाई करते हैं तो केवल मात्र तोड़क के नाम पर कार्रवाई की और दो तीन दिन शांत रहे, पता लगा जो तोड़ी और उसके बाद फिर आप बन गया। तो कहने का मतलब है इस तरह की घटनाएं ना हो, बीएमसी को सजग होना होगा, टाटा पावर को सजग होना होगा। और जिम्मेदारी है आज जो फिरोज कुरैशी, आज घर डैमेज हुआ है, आज कहीं ना कहीं किसी उदासीनता लापरवाही का कारण है। मैं विनय पाठक, एबी न्यूज के साथ रवि की। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध,
यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई या कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।